टाइट करेंगे, जो हार्नेस इन्होंने पहना है वो देखना है टाइट है या नहीं है। ये वाले जो ब्रेक कैराबिनर हम यूज़ कर रहे हैं वो वाले ऑटो लॉकिंग है, तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं जब आप इनको छोड़ोगे। तो जो आपका रोप स्ट्रेंथ है जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, पेडजल का रोप है जिसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 2500 के आसपास रहती है, इसको हम इस पर पास करेंगे। जो जो आपका फिगर ऑफ एट हम यूज़ कर रहे हैं, और जो ऑटो लॉकिंग डिले डिवाइस इसको आप कह सकते हैं, और जो एंकर है वो रोप के साथ अटैच होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे एक नायलॉन है और इस पर हमने रोप अटैच कर दी है इस तरह से, फिगर ऑफ एट की हेल्प से। जो फिगर ऑफ एट वो यूज़ कर रहे हैं, इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 700 के आसपास है। तो उसके बाद हमने इसको अपर कैराबाइनर में फिगर ऑफ एट के साथ अटैच कर दिया, यानी जो जर्क है अभी जो एंकर पे, ये ट्राइंगल एंकर है जो जर्क है वो अपर एंकर पे ज़्यादा रहेगा। इन केस ये एंकर अगर निकल भी जाता है तो ये नीचे वाला एंकर जिसमें दोनों रोपे ज्वाइन है वो हमें होल्ड कर सकती है। आपका राइट हैंड रहेगा वो आपकी इनके कमर के पास रहेगा, और जो लेफ्ट हैंड है वो उनको गाइड करने के लिए, बैलेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो आपके जो लेंथ लेग्स रहेगी वो आप जितना आपका शोल्डर लेवल है उस विड्थ के हिसाब से वो वाइड रखेंगे। जब आप बैक जाने की कोशिश करेंगे तो ये अभी स्टक है यहाँ पे, जब ये बैक करेंगे तो इनको ये लूज़ करना पड़ेगा, हल्का सा लूज़ करेंगे तो ये अपने आप से स्लाइड होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, जब आपको नीचे जाना है स्टीप पार्ट पे जब भी जा रहे हो तो आपका फ्लैट फुट यूज़ होगा, जो आपके लेग्स पे लेग्स वाइडनिंग है वो आपके शोल्डर अकॉर्डिंग फिट रहेंगे। जैसे नीचे जा रहे हैं स्टीप पार्ट में जितना जाओगे लीड बैक अपना होना है, पूरा लीड बैक होने में जो आपका फुट मूवमेंट है वो स्लाइड होती रहेगी। इनकेस वो स्लाइड हो जाते हैं या फिर वो गिर जाते हैं वहाँ पे, क्या करना है उसको, अपना जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के पास ले जाना है। अभी वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे तक जा सकते हैं। Oh!